अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम उमेर भाई के आए हैं और कुछ अच्छे रामपुरी कबूतरों के शौकीन हैं उमेर भाई, और बाजरे भी हैं, टोक वाले कबूतर भी हैं, तो उन कबूतरों का शौक करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उमेर भाई आज कौन से कबूतरों का आप शौक करा रहे हैं? एज यूजुअल मैं तो खैर रामपुरियों का, गोल्डन कबूतरों का और बेसिकली हाई फ्लायर्स का ज़्यादा शौकीन हूँ, तो उन्हीं का शौक करा हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुछ उमेर भाई के अच्छे ब्रीडर जिनके बच्चे उड़े हुए भी हैं आपके पास, उन कबूतरों का शौक करते हैं। तो अभी कौन सा शौक करा रहे हैं आप? रामपुरी कबूतरों का शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं उमेर भाई के कुछ रामपुरी कबूतरों का शौक करते हैं। दोस्तों देखते हैं उमेर भाई कौन से कबूतरों का शौक करा रहे हैं, तो चलिए इनके बारे में कुछ पूछते हैं। तो उमेर भाई बताइए कौन सा पेयर है? और ये बेसिकली रामपुरी कबूतर है, और रामपुरी के अंदर जो सराय वाले कबूतर थे उन्हीं में से ही ये कलर निकलता है, जो कि गोल्डन में से ही निकलता है। रामपुरी बाजरे हैं ये, और इनको और तो सबसे पहले मैं आपको मादिन का शौक कराता हूँ। तो दोस्तों शौक कीजिए हमारे उमेर भाई के कुछ नायाब कबूतरों का। ये कबूतरी है स्लेटी आंख में है ये कबूतरी, माशाल्लाह। और ये इसके पर हैं, लेकिन पर कटे हुए थे, अभी पर दोबारा ला रही है ये। जी जी, ये आप पंजे देख सकते हैं। उमेर भाई ये कितने सालों से आपके पास है ये कबूतर? ये कबूतरी को तो मेरे पास करीब एक साल ही हुआ होगा। जी, ये अभी मैंने ली थी कबूतरी, ये किसी साहब की है, तो वाया किसी और के थ्रू मेरे पास आई थी ये कबूतरी। चलिए, इससे मैंने घर का कबूतर लगाया हुआ है। ये फीमेल है दोस्तों, और दोस्तों ये मेल का शौक करते हैं। उमेर भाई ये कौन सा मेल है? ये रामपुरी है, गोल्डनों में से और सराय वाले कबूतरों में से ही है, ये मेल का कबूतर है, गजरा भी बोलते हैं इसको। दोस्तों इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखों के जर्रात देखिए, फुल स्लेटी आंखों में है, कंजी आंखों में जैसे बोलते हैं। ये पुराने कबूतरों में से है अपने घर के, हमारे वालिद साहब के कबूतरों में से है। ये आप इसके पर देख सकते हैं, इसके परों का शौक कीजिए, पूरे सुरमई पर हैं इसके, और पर देखिए आप, सुरमई पर हैं, सुरमई दुम है, सुरमई दुम है, सुरमई खोपड़ी है, सुरमई आंख है। तो दोस्तों इसका पूरे वजूद का शौक करा दिए। तो दोस्तों शौक कीजिए इस पेयर का, हमारे उमर भाई ने जैसा बताया गोल्डन और सराय वालों में से एक कबूतर है, आप लोग शौक कीजिए। ये इसकी फीमेल लगाइए, ये देखिए दोस्तों, ये इसका मेल है, और मेल की क्वालिटी देखिए आप, पुराने कबूतरों में से कबूतर है जो उमर भाई अभी मेंटेन कर रहा है इन कबूतरों को। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ और देखते हैं कौन से कबूतर का शौक कराते हैं उमर भाई। उमर भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपको ये रामपुरी कबूतरों को कितने साल से शौक है? मुझे तकरीबन मतलब बेसिकली पापा को शौक था रामपुरियों का, उन्हीं से मुझे लगा शौक, और रामपुरी कबूतर होते भी बहन था खूबसूरत। तो ये उन्हीं के हाथ के कुछ आपके पास ब्लेड लाइन है जो आप मेंटेन कर रहे हैं? लाइन है उन्हीं के ही, तो कबूतर उनके पुराने थे। तो उमेर भाई ये कौन सा कबूतर है? ये सराय वाले कबूतर है, ये सराय वाले कबूतर है, रामपुरी कबूतर है, सराय वाले हैं ये कबूतर की आंखें, गहरी कंजी आंखें, स्लेटी की आंखें। दोस्तों शौक कीजिए आप, और कितने साल पुराना मेल है ये? तकरीबन 8 से 9 साल पुराना मेल, 8 से 9 साल पुराना कबूतर है दोस्तों। और कबूतर में कुछ खासियत है, जब भी इसका इतने साल से केयर किए और इसकी ब्रीड बढ़ा रहे, इसकी आइज देखिए आप दोस्तों, इसके पर पंजों का शौक करते हैं। और जितने ये पुराने कबूतर हैं सब भाई के पास पर में ही है, पर काट के नहीं रखे भाई ने, और इनको मेंटेन किया है। और ये कबूतर के पर देखिए आप, जो लोग इस चीज़ को पालते हैं पुरानी ब्लेड लाइन को, तो वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। और देखिए ये इसकी फीमेल है, ये भी तो सराय वाली ही कबूतरी है, ये सराय वाली कबूतरी है, दोनों एक ही ब्लड लाइन से हैं, दोनों एक ही ब्रीड के हैं, लेकिन अलग अलग जोड़ों के बच्चे हैं। दोस्तों शौक कीजिए सराय वाले कबूतरों का। और ये देखिए फीमेल,
इसके पर देखिए आप, बिल्कुल एक के ऊपर एक जमे हुए पर हैं। और ये बहुत पुराने कबूतर हैं उमर भाई, उमेर भाई जो हमारे मेंटेन कर रहे हैं इन्हें। चलिए दोस्तों इस जोड़े को छोड़ के शोक करते हैं। दोस्तों शोक कीजिए सराय वाले कबूतरों का। ये देखिए ये भाई का ब्रीडिंग पेयर है और 8 से 10 साल पुराना पेयर है। शोक कीजिए दोस्तों, क्वालिटी देखिए। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे पैर की तरफ, देखते हैं कौन सा शोक कराते हैं उमेर भाई दूसरे पैर में। दोस्तों शोक कीजिए ओल्ड ब्लड लाइन के कबूतरों का, जो कि हमारे उमेर भाई मेंटेन कर रहे हैं। और पूछते हैं इस पैर के बारे में, क्या परवाजी करी इनके बच्चों ने, तो उमेर भाई बताएंगे इसके बारे में। तो बताइए उमेर भाई। रामपुरी कबूतर है जी, ये गोल्डन बाजरे जिनको कहते हैं, कई लोग रामपुरी गोल्डन भी कहते हैं जी, वही कबूतर है ये रामपुरी गोल्डन कबूतर। नर का शोक कराऊंगा, सेम ब्लड लाइन से कबूतर है। दोस्तों शोक कीजिए, सराय वाले कबूतरों में से ही बने हुए ये कबूतर हैं, सराय वालों में से बने हुए हैं, गोल्डन नर के पर दिए हुए हैं। अच्छा ये पर आ रहा है, पर आ रहा है इसके नए, ये इसके पर है, इसका पर का शोक कीजिए दोस्तों। और इसकी आंख है दोस्तों, शोक कीजिए इसकी आईज का, सेम सुने आपकी स्लेटी कलर की आईज आपको मिलेंगी। दोस्तों शोक कीजिए इसकी आइस का, आइस क्वालिटी देखिए दोस्तों। और ये भी 8 से 10 साल पुराना कबूतर है, ये और पुराना कबूतर है, ये 10 साल से 12 से 13 साल के पुराना कबूतर है, 12 से 13 साल जैसे उमर भाई बता रहे हैं कबूतर है। भाई इसके बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है आपके पास? इसके मेरे पास बच्चे हैं, इसके मेरे पास बच्चे भी जो है टेस्ट किए हुए हैं, मेरे पास काम की वजह से मुझे उड़ाना नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ जिनके पास भी हैं इनके जीरेदार बच्चे, उन्होंने अच्छी परवाज दिए। दोस्तों शोक कीजिए इनके रिजल्टेड कबूतर हैं ये, जो कि आगे भाई बढ़ा रहे हैं। इसकी फीमेल का शोक करते हैं मेरा भाई, ये भी सराय वालों में से है क्या? नहीं ये थोड़ी सी अलग कबूतरी है, ये दोस्तों ये रामपुरी वालों में से ही है, लेकिन थोड़ी सी अलग कबूतरी है ये। दोस्तों शोक कीजिए रामपुरियों में से ही है ये फीमेल भी, ये फीमेल भी रामपुरियों में से ही है, ये उमेर भाई ने अपने सराय वाले गोल्डन कबूतर से लगाई है। शोक कीजिए इसकी आईज का। और दोस्तों इस जोड़े को छोड़ के शोक करते हैं अपन। दोस्तों शोक कीजिए इस जोड़े का, रामपुरी सराय वालों में से मेल है और रामपुरी फीमेल है। और इस पैर के बच्चे उड़े हुए भी हैं, देखिए दोस्तों मेल की क्वालिटी। और उमेर भाई ने इनको 10 से 12 साल से मेंटेन करके रखे हुए हैं और इनकी अच्छी परवाज भी है। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे पैर की तरफ और शोक करते हैं उमेर भाई के दूसरे रामपुरी कबूतरों का। तो दोस्तों शोक कीजिए इस पैर का और पूछते हैं उमेर भाई से कि ये कौन से कबूतर हैं। बताइए उमेर भाई ये कौन से कबूतर हैं? नर जो है ये सेम नस्ल रामपुरियों में से ही, अपने सराय वाले कबूतरों में से, गोल्डनों में से, रामपुरी गोल्डन बाजरों में से। दोस्तों आप इसका पर का शोक कीजिए, पर देखिए आप कितने मस्त पर हैं और एक के ऊपर चढ़े हुए पर हैं। और मेरा ये भी अपने अपनी पुरानी नस्लों से है, हाँ ये भी अब ब्रीड कर रहा है, पुरानी नस्लों में से अब ये ब्रीड कर रहा है। इसकी आइस का शोक कीजिए दोस्तों, ये भी वही आइस में जैसे कि अभी आपको सारी ब्लड लाइनों का शोक कराया, इसकी भी सेम ब्लड लाइन है भाई के पास। और चलिए इसकी फीमेल का शोक करते हैं। दोस्तों ये इसके साथ लगाई हुई फीमेल, और ये भी हमारे उमेर भाई के पास, ये भी घर की पट है मेरी, ये भी भाई की घर की फीमेल है निकली हुई। और इसकी आईज दी है भाई, ये मुख्तलिफ है, ये क्रॉस में है, ये क्रॉस में है, रामपुरी क्रॉस में, रामपुरी क्रॉस में भी है। और इसमें भोपाली कबूतर लगे हुए हैं, कुछ भोपाली बाजरे, हरे कंटे के बाजरे इसके अंदर लगे हुए हैं जी। और ये कबूतरी खुद उड़ रही थी अभी, ये उड़ी हुई कबूतरी है उमेर भाई की। और इसके परों का शोक कीजिए आप, और इसको ब्रीड में डाला है ये देखिए ये। चलिए दोस्तों इस जोड़े को शोक छोड़ के शोक करते हैं। दोस्तों उमेर भाई पकड़ते नहीं है इन कबूतरों को, तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो चलिए आपको शोक कराते हैं, ये
ये देखिए मेल है उमेर भाई के, गोल्डन ओमेगा, रामपुरी गोल्डन ओमेगा। और ये इसकी फीमेल है जो कि रुकी नहीं रही है। देखिए दोस्तों ये फीमेल लगी हुई है और ये मेल है। देखिए क्वालिटी देखिए दोस्तों, उड़े हुए कबूतर हैं। और शौक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसे लगे आपको कबूतर। चलिए दोस्तों दूसरे जोड़े की तरफ चलते हैं और शौक कराते हैं उमेर भाई के पुराने कबूतरों का। दोस्तों शौक कीजिए उमेर भाई के दूसरे पैर का और पूछते हैं उमर भाई से कौन सा प्यार है और इसने क्या परवाज दी भाई के पास। तो बताइए उमेर भाई, ये कबूतर जो है ये मेरे दूसरे कबूतर बनाए थे रामपुरियों से ही, भोपाली कबूतर मिला के। अच्छा, रामपुरियों से आपने भोपाली कबूतर क्रॉस किए थे उड़ाने के लिए। तो ये सुरतेदार कबूतर है, उड़ाने के लिए भी और दूसरा दूसरे कबूतर बनाने के लिए भी किए थे। दूसरे कबूतर बनाने के लिए और क्रॉस किए, इन्हीं में ही ये कलर निकला है, सुरतेदार गोल्डन पास, सुरखेदार गोल्डन कहेंगे ने। सुरतेदार। तो दोस्तों थोड़ा सा लाउड हो रहा था इसलिए वीडियो रोक दी थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और पूछते हैं। ये भोपाली और रामपुरियों को क्रॉस किया था तो ये भाई के पास रिजल्ट है। अभी ये दसवीं कोचक ला रही है, अभी नौ पर की फीमेल है ये। दोबारा से मतलब साफ कर रही है कबूतर, साफ कर रही है, दोबारा साफ कर रही है। मेरे पास उड़ी हुई है कबूतर, पिछले साल सर्दियों में मैं यहीं था तो सर्दियों में तकरीबन उड़े मेरे पास 4-4 घंटे के आसपास, 4-4 घंटे उड़े हुए हैं भाई सर्दियों में फड़कों के अंदर। और चलिए इसकी आइज का शो करते। ये देखिए दोस्तों रामपुरी और भोपाली कबूतरों का क्रॉस, देखिए आप आइस क्वालिटी देखिए आप इसकी। चलिए दोस्तों इसके दर का शो करते हैं। तो दोस्तों मेरा इस नर का पूरा वजूद दिखा दिए। तो दोस्तों ये नर है रामपुरी और भोपाली कबूतरों को कुछ क्रॉस करके भाई ने ये ब्रिड बनाई है। और देखिए ये इसकी आइस देखिए आप, और ये रामपुरी गोल्डन और भोपाली कुछ कबूतर क्रॉस किए थे। और इसके पर देखिए भाई, क्या ये भी उड़ाया है क्या? हाँ, ये नरमादिन दोनों साथ में उड़े थे, ये दोनों साथ में उड़ाए थे। और अभी सेकंड लॉकडाउन जब लगा था थोड़ा बहुत वक्त था तो उसमें ये कबूतर उड़ाए थे मैंने। ये देखिए दोस्तों इसके पर कुंदों का शौक कीजिए और बताइए आप कमेंट में कैसे लगे कबूतर उमेर भाई के। तो चलिए दोस्तों इस जोड़े को छोड़ के शौक करते हैं। दोस्तों शौक कीजिए, भाई ने रामपुरी और कुछ भोपाली कबूतरों को क्रॉस करके ये कबूतर बनाए और भाई के पास अच्छी परवाज भी दी है जैसे कि भाई बता रहे हैं। और इनके पंजे देखिए आप, ये इनके पंजे। दोस्तों कबूतर रुकी नहीं रहा है, उमेर भाई पकड़ते नहीं है। तो चलिए दूसरे पैर की तरफ चलते हैं। दोस्तों शौक कीजिए उमेर भाई के दूसरे पैर का और इसके बारे में कुछ पूछते हैं उमेर भाई से, और कौन से कबूतर हैं और क्या क्रॉस डाला है, इनमें क्या परवाजी दिए। तो उमेर भाई बताएं इस जोड़े के बारे में कुछ। ये नर जो है, अभी जो मैंने आपको पिछले 3 कबूतर बताए थे जो मैंने भोपाली कबूतरों में क्रॉस डाल के बनाए, ये उसका बाप है। जो आपने भोपाली कबूतरों को क्रॉस किया ये उसका बाप है? हाँ जी, जी उन कबूतरों का क्रॉस में है जी। और दोस्तों शौक कीजिए, ये प्योर में है, ये प्योर में कौन सा कबूतर है भाई? ये रामपुरी कबूतर है, रामपुरी कबूतर है गोल्डन। हाँ जी, गोल्डनों में से ये कबूतर, गोल्डनों में से मेल। दोस्तों शौक कीजिए, तो शौक कीजिए इसकी आँख का और देखिए कबूतर रामपुरी गोल्डन। और इसके परों का शौक करते हैं दोस्तों, के ब्रीडिंग के लिए पर कटे हुए हैं। दोस्तों देखिए आप, नई जोड़ लगाने के लिए इसको कटिंग करी है भाई ने, नया पैर करा है। तो चलिए दोस्तों इसकी फीमेल का शौक कराता हूँ मैं आपको। इसके पंजे देखिए दोस्तों कबूतर उमर भाई पकड़ते नहीं है तो बहुत दिक्कत कर रहे हैं। और जामुनी पंजे हैं, जामुनी पंजे देखिए दोस्तों, पुराने ब्रेड लाइन के कबूतरों की क्वालिटी आप पर है। सुरमई इसकी स्लेटी आंखें, हल्की कंजी आंखें, इसकी ज्यादा गहरी नहीं आई दूसरे कबूतरों की तरह। सुर्खी लिया हुआ कबूतर है, सुर्खी लिया कबूतर है। तो इस कबूतर की फीमेल का शौक कीजिए उमर भाई, ये कौन सी फीमेल है? ये यार अभी आई थी बॉर्डर वाले कबूतर, ये बॉर्डर वाले कबूतरों में से फीमेल है जो रामपुरियों में नए रिजल्ट, नए कबूतर बनाने के लिए भाई ने क्रॉस किए। दोस्तों क्वालिटी देखिए, आइस क्वालिटी देखिए दोस्तों आप बॉर्डर वाले कबूतरों की,
और ये फीमेल है जो रामपुरी गोल्डन कबूतर से क्रॉस की है। और इसके पर देखिए, ये देखिए दोस्तों इसके ये पर है और ये दूसरा पर है इसका। मेरा ये वैसे कौन से कबूतरों में से है ये? अब ये तो नहीं मालूम ये कौन से कबूतरों में से है जी। ये बाहर वाले कबूतर है, ये बॉर्डर से ही आई हुई है, से है ये बॉर्डर वाले कबूतर हैं। अब ये कौन से इसमें कबूतर मिले हुए हैं, मुख्तलिफ कबूतर दिखते हैं इसमें मिले हुए। दोस्तों क्वालिटी देखिए इसकी, आइस क्वालिटी देखिए। और ये भाई के पास बाहर से आई हुई है और ये रामपुरी ब्रीड में भाई ने क्रॉस की है। दोस्तों शोक करते हैं इस पेयर का, बच्चा आया था मेरे पास में, ये करना इसको रुक जाए। तो दोस्तों रामपुरी कबूतर में कुछ बॉर्डर वाले क्रॉस किए हैं भाई ने। और देखिए ये जोड़े को, ये फीमेल है बॉर्डर वाली और ये रामपुरी गोल्डन मेल है जो भाई ने क्रॉस किया है नया रिजल्ट नए बच्चे लेने के लिए। और देखिए दोस्तों बताइए जोड़ा कैसे लगा आपको, क्वालिटी देखिए दोस्तों। और ये फीमेल की बहुत लाजवाब क्वालिटी है, गोल्डन मेल है देखिए दोस्तों और ये फीमेल है। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ और शोक करते हैं उमेर भाई के कुछ और दूसरी ब्रीड। तो शोक कीजिए उमेर भाई के दूसरे कबूतरों का और पूछते हैं ये कौन से वाले कबूतर हैं, उमेर भाई से इनके बारे में जानते हैं कुछ तो बताइए। कबूतर जो है मेरे भाई ये टोक के कबूतर हैं और ये कलसरे कबूतर हैं, टोक वाले कलसरे कबूतर। तो दोस्तों छपे हुए छापदार कबूतर का शोक कीजिए। ये नर है, ये नर है और भाई ये बहुत पुराना कबूतर लग रहा है। हाँ ये ज्यादा पुराना नहीं है कबूतर जी, कबूतर मुश्किल से ये 3-4 साल पुराना कबूतर, 4 साल पुराना कबूतर है दोस्तों ये। और ये भाई का ब्रीडर जोड़ा है दोस्तों, शोक कीजिए इसके पर, कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है ये, कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है। और दोस्तों शोक कीजिए इसके पंजे देखिए, सब भाई के पास प्योरिटी में कबूतर है, ये प्योर कबूतर है टोक वाला, इसमें कोई क्रॉस नहीं, इसमें कोई क्रॉस नहीं है। देखिए दोस्तों इसकी आँख का शोक कीजिए और दोस्तों इसकी फीमेल का शोक करते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है, ये इसी नर की फीमेल है और उसकी शोक कीजिए। ये भी राजस्थान टोक वाले कबूतर हैं, ये छापदार जिन्हें कहा जाता है। और दोस्तों ये देखिए इसके पर देखिए आप, भाई का ब्रीडर पेयर है ये भी भाई, प्योरिटी में ये। हाँ जी ये भी प्योरिटी, ये भी प्योर टोक वाला कबूतर है, कबूतर है ये। और चलिए दोस्तों इस जोड़े को छोड़ के शोक करते हैं। तो दोस्तों शोक कीजिए टोक वाले छापदार कबूतरों का। और ये देखिए बिग साइज मेल है और मीडियम साइज में उसके साथ मादा है, मेल देखिए आप टोक वाला। और ये भी भाई का ब्रीडर पेयर है, देखिए दोस्तों ये पूरा मादिन पुरानी तेली है हल्की सी। दोस्तों शोक कीजिए और ये ब्रीड कराते हैं अभी और भाई के पास ब्रीड हो रही है, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे कबूतरों की तरफ और शोक करते हैं उमेर भाई के कुछ और दूसरी ब्रीड के कबूतर। तो दोस्तों उमेर भाई एक जोड़े का और शोक करा रहे हैं और दोस्तों पूछते हैं उमेर भाई से कौन सा जोड़ा है और भाई बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, कौन सा जोड़ा है ये? हरे और गर्रे दोनों ही है, दोनों कह सकते हैं आप, हरे और गर्रे कबूतर। तो दोस्तों शोक कीजिए, ये कबूतर के पर है, ये कबूतर के पर है और ये कबूतर है। और दोस्तों शोक कीजिए इसकी आइस का शोक कीजिए, दोस्तों शोक कीजिए। और चलिए दोस्तों इसकी फीमेल का और इसके शोक कराते हैं। दोस्तों शोक कीजिए ये कौन सी फीमेल है भाई? ये हरों में से है मादा, ये इसी में कबूतरी है, ये हरों में से फीमेल है। दोस्तों शोक कीजिए और देखिए कबूतर और इसके पर का शोक करते हैं। ये फीमेल के पर हैं और बहुत ही अच्छे पर हैं इसके, ये फीमेल है। और चलिए इस जोड़े को छोड़ के शोक करते हैं। दोस्तों शोक कीजिए हरे कबूतरों का, गर्रे कबूतरों का। और ये देखिए ये पेयर है भाई का,
दोस्तों उमेर भाई एक पैर का और शोक करा रहे हैं, शोक कीजिए। और उमेर भाई ये कबूतर आपके पास कौन से हैं और कहाँ से आए? यार ये कबूतर तो मेरे पास बाहर से आए हुए कबूतर हैं जी, और ये उनके बच्चे पट्टे हैं, इनके माँ बाप भी मेरे पास हैं, इनकी और नस्लें मेरे पास हैं। ये बाहर से आए हुए कबूतर हैं, आप इनको पहले इनकी मादिन का शोक कराता हूँ। ये मादा का शोक कीजिए। उमेर भाई ये भी बॉर्डर वालों में से ही लग रहा है? अब पता नहीं यार बॉर्डर वालों में से है नहीं है क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। भाई के पास गिफ्ट आए हैं बाहर से। दोस्तों शोक कीजिए और आप बताइए कौन से कबूतरों में से, सजेस्ट किए। दोस्तों रुक नहीं रहा है कबूतर, ये मादा है, ये मादा है। और देखिए दोस्तों इसके पर देखिए आप, पर क्वालिटी देखिए। और ये भाई के पास ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाएंगे, भाई के पास आया हुआ ये प्यार है, ये फीमेल है। और आए तो इनके खैर दादा दादी थे, फिर उसके बाद में ये तीसरी पीढ़ी है पास में, तीसरी पीढ़ी है। माँ बाप भी इनके और भी लोग काफ़ी कबूतर हैं। शोक कीजिए। बच्चों पट्टों का पेयर है जो अभी लगा रहा हूँ मैं, ये बच्चे नई उम्र के पट्टे हैं जो भाई लगा रहे हैं अभी पेयर। दोस्तों इसकी आइज़ देखिए और इसके पर देखिए, ये भी। उमेर भाई को परिंग कबूतर रखने का ज़्यादा शौक है। और देखिए और इसकी पंजे देखिए आप, ये इनके पंजे हैं देखिए दोस्तों। और दोस्तों ये इसकी दुम है कबूतर की, और ये मेल है। चलिए दोस्तों कबूतर रुक ही नहीं रहा है तो छोड़ के शौक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जोड़ा है, दोस्तों देखिए रुक ही नहीं रहा है वो, ये मेल है और ये इसकी फीमेल है। दोस्तों आप खुद देखिए कबूतर रुक ही नहीं रहा है, उमेर भाई पकड़ते नहीं है तो। और हम लोग आए हुए हैं वीडियो बनाने, तो देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे जोड़े की तरफ, देखते हैं उमेर भाई कौन से कबूतर का शौक कराते हैं। और एक और जोड़े का उमेर भाई के पास। और उमेर भाई ये कौन सा जोड़ा है? ये भाई रामपुरियों का ही है, घर के पुराने जो हरे घंटी के जो रामपुरी हैं भाई के, जो पुरानी मादिन जो है वो गहरी गंजी आँख की है, और नर जो है वो लाली ली हुई आँख का है, डोरे वाली आँख का है, डोरे लाल डोरे वाली आँख का किंग है बन। और ये सराय वाले का पट्टा है, ये सराय वालों में से सराय वाले की है। और दोस्तों ये घेरी कंजी आँख में, चलिए दोस्तों इनको शो कराते हैं। ये दोस्तों डोरे वाला नर है, ये नर है। और शोक कीजिए, ये भाई के सराय वालों में से ही निकला हुआ कबूतर है। और दोस्तों इसके परों का शोक करते हैं। हमारे उमेर भाई के पास बहुत पुरानी ब्रेड लाइन्स के कबूतर हैं, और बहुत टाइम से भाई मेंटेन कर रहा है, और इन्हीं को उड़ाते हैं भाई। उड़ाने का तो फिर टाइम मिलता नहीं है काम की वजह से, तो उड़ान कम होती है, दूसरी जगह ज़्यादा हो जाती है उड़ान, अपने यहाँ नहीं हो पाती। दोस्तों शोक कीजिए और शोक करते हैं इसकी फीमेल का। दोस्तों शोक कीजिए इस फीमेल का। भाई ये कौन से कबूतरों में से? ये रामपुरियों में से है, ये गहरी गंजी आँख है, रामपुरियों में से नहीं है ये, घेरी गंजी आँख है। और थोड़ा सा शाम का वक्त हो चुका है दोस्तों, इसलिए इसका दिख नहीं रहा है। और ये भाई ने क्रॉस में पैर किया है। उमेर भाई इसमें बच्चे कौन से आते हैं? इसमें ये हरे कंठे के ही आते हैं बच्चे, कलसरे टाइप, कलसरे टाइप में। और आइस में आइस दोनों आती हैं, दोनों के ऊपर भी आती है और बाप के ऊपर भी आती है, बाप के ऊपर भी आती है। दोस्तों देखिए भाई ने क्रॉस में पैर डाला है और दोनों टाइप के बच्चे आते हैं इसमें। और चलिए दोस्तों पैर एक इसकी पट भी है मेरे पास में, दिखा छोड़ के शो करते हैं। दोस्तों ये आपको जो पैर का शोक कराया उमेर भाई ने, ये उसी की, और ये उसी की बच्ची हो जाएगी, हुई भाई। तो ये देखिए दोस्तों क्रॉस में ये रिजल्ट है, और ये नर पे गई है फीमेल। और देखिए दोस्तों अभी बिल्कुल ये चौथी पांचवी कली की पट है। तो दोस्तों क्रॉस में इसका रिजल्ट देखिए आप, और बहुत ही अच्छा भाई ने पैर लगाया और रिजल्ट ये है। दोस्तों देखिए इसके पंजे, और अभी जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी इसकी आँख और लाल होती जाएगी। देखिए दोस्तों जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, और जैसे उमेर भाई बता रहे हैं लाल डोरा ले लेगी ये फीमेल। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़ के शोक करते हैं। दोस्तों शोक कीजिए ये फीमेल का, जो अभी आपको पैर दिखाया, और बहुत तेज़ाई है, रुक नहीं रही है फीमेल, ये फीमेल है, ये रिजल्ट है भाई के पास। चलिए दोस्तों
चलते हैं आगे कुछ और ब्रेड लाइन के दूसरे बाइट में। भाई के पास औरंगाबाद वाले कबूतर हैं, उनका शो कराएंगे आंध्रा वाले। और जब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसे लगे आपको उमेर भाई के रामपुरी कबूतर।